उसको स्टेज पे परफॉर्म किया गया तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ये एक जो है ट्रेजेडी है। इस वजह से चेरी ऑर्चर्ड के बारे में अक्सर एक सवाल आता है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में, तकरीबन 80% आ जाता है चेरी ऑर्चर्ड एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ट्रेजिक कॉमेडी लिखने का। इसके बाद जब आप वेटिंग फॉर गॉडो भी पढ़ेंगे वो भी ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी कि एक ऐसी कॉमेडी जिसके अंदर ट्रेजिक एंड दिखाया जाता है। और अगर हम चेरी ऑर्चर्ड की तरफ देखें तो ये एक कहानी है गेव फैमिली की, जिसको हम गायब फैमिली इन रशियन अगर हम पढ़ें तो गायब फैमिली है बेसिकली। उसके अंदर हम देखते हैं कि उस फैमिली का डाउनफॉल दिखाया गया है। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी जो कि जिनके लोगों को काम करने की आदत नहीं थी, वो लग्जरियस लाइफ के आदी हो गए थे और जिसकी वजह से उस पूरी की पूरी फैमिली का डाउनफॉल होता है। चेरी ऑर्चर्ड का मतलब है ऑर्चर्ड का बाग, ठीक है, सॉरी चेरी का बाग ऑर्चर्ड। और उसमें जो है ये चेरी ऑर्चर्ड जो है ये उस गायब फैमिली की एक मलकियत हुआ करती थी। और फाइनली हम एंड ऑफ द ड्रामा में देखते हैं ये जो चेरी ऑर्चर्ड है इसके दरख्त के ऊपर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक एक्स नजर आ रहा है। ये एक्स जो है वो जो इमर्जिंग क्लास है वो इस एक्स से इस पूरे चेरी ऑर्चर्ड को काट देती है। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो जितने भी लोग थे वो उन्होंने उसमें ये हुआ था कि जो अब इस तरह के ऑर्चर्ड्स हैं उनको खत्म कर दिया गया था और उनकी जगह डायचेस बना दिए गए थे। और यानी कि कुछ ऐसे जैसे हम आजकल फ्लैट्स बना देते हैं या इस तरह से, तो उनकी प्लॉटिंग कर दी गई थी ताकि उसको कमर्शलाइज किया जाए। थ्रू आउट हम ड्रामा में देखते हैं कि जो लाइब होती है उसको जो है बार बार कहता है जो एंड्रिया जो है कि तुम जो इसको कमर्शियल कर दो, इसके डायचेस बना दो ताकि तुम्हारा पूरे का पूरा जो लॉन है वो उतर जाए। बट शी वॉज नॉट इन अ सेंस, क्योंकि ये जो गायब फैमिली थी वो चाहती ही नहीं थी कि वो चेरी ऑर्चर्ड को किसी भी किस्म से किसी भी तरह से ख़त्म कर दें या उसको कमर्शलाइज कर दें, क्योंकि उनके लिए ये उनके बाप दादा की निशानी थी। एंड तक हम देखते हैं कि वो जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है उसको वो इतनी ज़्यादा आदि होती है लग्जरियस लाइफ की कि कुछ कहानी कुछ ऐसे है कि वो एक, मुझे इस कहानी को पढ़ के वो एक लतीफा याद आ जाता है। एक दफा एक जंगल में ना एक लोमड़ी और कुछ बंदर रहते होते हैं, शेर बंदर सारे जो जानवर होते हैं वो वहां पे रहा करते हैं। एक दफा क्या होता है कि लोमड़ी जो है ना वो बीमार हो जाती है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, इस हद तक बीमार हो जाती है कि वो मरने के करीब हो जाती है। अब जब वो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो भी बंदर ही होता है क्योंकि वो उस जंगल में से कोई एक जानवर वही डॉक्टर होता है। अब वो जो बंदर होता है ना, जब लोमड़ी बीमार होती है बिल्कुल मरने के करीब होती है, सारे जानवर उस बंदर डॉक्टर के पास जो है लोमड़ी को ले आते हैं कि भाई इसको बचा लो, तो वो जो बंदर होता है ना वो कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाता है, कभी दूसरे से तीसरे में, कभी तीसरे से चौथे में, और फाइनली वो लोमड़ी मर जाती है। तो सारे जानवर मिलके उस बंदर डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इलाज नहीं किया लोमड़ी का, लोमड़ी मर गई। उसने कहा कि नटपश्ता मैं बड़ी कीती सी पर लोमड़ी बची कोई नहीं, यानी कि लोमड़ी का कसूर है कि लोमड़ी नहीं बची, मैं तो बहुत भागा दौड़ा था। तो दैट इज सेम स्टोरी कि लुक बिजी डूइंग नथिंग वाली, कि हमें फिक्र तो बड़ी होती है लेकिन हम इधर उधर भागते रह जाते हैं, असल प्रॉब्लम का सलूशन जो है उसकी तरफ नहीं आते जिसकी वजह से हमारा डाउनफॉल होता है। सेम इज द केस कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैंने बड़ी मेहनत की, पता नहीं क्यों 5 के 5 सब्जेक्ट्स में सप्ली आ गई। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बच्चे की 5 के 5 सब्जेक्ट में सप्ली आ जाए या 4 सब्जेक्ट्स में सप्ली आ जाए या 3 में, एक आध चले आ जाती है, ठीक है एक आध आ गई हजम हो जाता है, लेकिन बेटा 2, 3, 4, 5 हाउ इज इट पॉसिबल? एक में बैड लक हो सकती है, 5 के 5 में तो बैड लक नहीं हो सकती ना।
तो वो क्या होता है, स्टूडेंट ना रॉन्ग डायरेक्शन में या तो काम कर रहे होते हैं, या वो ये बंदर वाली चाल चलते हैं जो भागता रहता है जंगल में, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे दरख्त पे, लेकिन वो असल सोल्यूशन की तरफ या असल प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं आती। यहाँ पे आपको कहानी सुनाई जाएगी एक इम्प्रैक्टिकल जो है एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास की, जिसका जवाल दिखाया जाएगा, आपको डाउनफॉल दिखाया जाएगा, और दूसरी तरफ उसके कंपेयर में एक लोअर क्लास रखी जाएगी जो कि इमर्जिंग क्लास थी, जो कि बिजनेस क्लास थी। वो जो है प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से सोचती है, लेकिन वो इस हद तक प्रैक्टिकल हो जाती है कि उनके लिए उनके रिलेशंस के लिए भी टाइम नहीं मिलता, उनके लिए उनके रिलेशंस के लिए वक्त ही नहीं है। तो वो कुछ इस तरह से है कि उनके फिर सेंटिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, वो इस तरह की इमर्जिंग क्लास है। और इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, ये सेंटी तो बहुत हैं जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल। और दूसरी तरफ वो जो इमर्जिंग क्लास है, दैट इज टू मच प्रैक्टिकल, बट दे आर नॉट सेंटिमेंटल, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, दे आर दैट इज द इमोशनलेस क्लास, जो कि इमर्जिंग क्लास आपको दिखाई जाएगी, जिनका मेन परस्यूट सिर्फ ये है कि उनको जो है एक अपर क्लास की तरफ रेज होना है, उनको पैसा कमाना है, क्योंकि उस दौर का और आज के भी दौर का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग पैसा कमाना है। ठीक है, तो वो पैसा कमाने के पीछे उनको जो है अपनी ये जो इमोशनल लाइफ है उसको हमेशा के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो ये जो आपको दो क्लासेस का क्लैश नजर आएगा, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास का, एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो कि इमर्जिंग क्लास है, ये वो सर्वेंट क्लास है जो कि इन्हीं एरिस्टोक्रेट्स के घर में काम करती है, और फाइनली वही जो है वो चेरी ऑर्चर्ड को खरीद लेगी। चेरी ऑर्चर्ड जो है एंटन शीकॉफ का, ये रशिया के ऊपर लिखा गया है, जब रशिया के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन आया था अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ दैट रेवोल्यूशन। यहाँ पे आपको मॉडर्न ड्रामा जो है वो नजर आएगा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे अभी। एंटन पैवलोविच शेखोव लाइफ, शेखोव एंड द न्यू ड्रामा, मॉस्को आर्ट थिएटर, द चेरी ऑर्चर्ड, कैरेक्टर्स, थीम्स एंड सिंबल। ट्रेडिशन वॉज फाउंड टू बी लैकिंग एंड द टास्क ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड कुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन प्रायर अथॉरिटी, रिलीजन और एंटिक्विटी। ट्रेडिशन जो है उसके अंदर फाउंड टू बी लैकिंग एंड टास्क ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है, उसके अंदर जो है लैकिंग है और वो टास्क है जो मेक सेंस करता ऑफ आवर सेल्फ, और द वर्ल्ड कुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन प्रायर अथॉरिटी, और दुनिया अब जो है उस प्रायर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना रिलीजन के ऊपर ना एंटिक्विटी के ऊपर, यानी कि वो जो प्रायर हमारी नॉर्म्स थी, ट्रेडिशंस थी, अब वो उनके ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती। नया दौर, नया जमाना, नए लोग, नई रिवायात। A turn from deities and moral certainty towards self-conscious individualism and ambiguity in judgment, values and interpersonal relations. ये है एक turn है from deities, moral certainty, अपने towards self-conscious individualism. ठीक है, self-conscious individualism की तरफ, ambiguity in judgment. ठीक है, judgment में confusion होना, values और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन सब में एम्बिगाइटी। आज का इंसान जो है वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का शिकार है, एम्बिगाइटी का शिकार है, ठीक है, उसके सामने कई पाथ्स है और उसको नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ। अ रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल फॉर्मलिज्म 17th सेंचुरी एंड एनलाइटमेंट रेशनलिज्म 18th सेंचुरी। एक रिजेक्शन यहाँ पे की गई ऑफ क्लासिकल फॉर्मलिज्म की, जो कि 17th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करती है, और एक एनलाइटमेंट रेशनलिज्म 18th सेंचुरी, उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। 18th सेंचुरी के जो मेन हमने लास्ट ईयर दो बुक्स जो मेन पढ़ी थी, जो कि एनलाइटमेंट को शो करती थी, 18th सेंचुरी को शो करती थी, एक तो हमने उसमें रेप ऑफ द लॉक पढ़ी थी और दूसरा जोनाथन स्विफ्ट पढ़ा था, जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है। अब जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे इस ड्रामा के अंदर हम देखते हैं कि द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, और द फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आफ्टर ब्लैक डेथ
जो कि इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद जो है लेबर क्लास जो है वो बहुत ज्यादा कम पड़ गई थी। और जो ये जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, ये जो मिल्स के बड़े बड़े मालिक थे, फैक्ट्रीज के बड़े बड़े मालिक थे, जो कि अपनी मर्जी से लेबर क्लास से लेबर लेते थे, ठीक है, और उनको बहुत कम वेजेस देते थे, इस लेबर क्लास ने उस जो उन मालिकान के खिलाफ जो है एक बगावत कर दी थी, ठीक है, कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं और ये सारा कुछ। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आवर मस्ट आफ्टर रेनेसां जो है, रेनेसां में क्या हुआ था कि एक रिवाइवल या रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है, डिस्कवरीज बहुत ज्यादा हो गई थी, कोलंबस, अफ्रीका, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये डिस्कवर हो चुके थे, समंदरी रास्ते बन चुके थे, लोगों ने इधर उधर उनके अंदर लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, ये सारी चीजें उनको उनके सामने जो है खुल के रह गई थी। और इसी तरीके से जब नॉलेज की भरमार होती है तो इंसान के अंदर तजस्सुस भी बढ़ जाता है। फाइनली जो है लोगों ने आफ्टर ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए उसमें फिर इंडस्ट्रीज जो है वो लगना शुरू हुई, और यहाँ से जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ तक फैल गई कि तमाम बागार, तमाम कच्ची ज़मीनें, वो सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया। लेबर क्लास जो है वो जो है वो बहुत कम पड़ गई, और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो गई, जिसके बायस जो है, और फिर ब्लैक डेथ ने तो और भी काम ख़राब कर दिया। ब्लैक डेथ की वजह से इंग्लैंड में तकरीबन 70-75%, बल्कि बाज़ लोग एस्टिमेट लगाते हैं 85% लोग ताउन की बीमारी की वजह से मर गए थे। इतने लोग मरे हुए होते थे कि डेली बेसिस पे सड़कों पे, स्ट्रीट्स में, हर जगह पे जो है लोग मरे हुए होते थे, और उनके लिए कब्रें खोदने के लिए एक एक कब्र में 10-10, 20-20, कभी 50-50 उन्होंने डेड बॉडीज जो है वो दफनाई। ये हालात हो गए थे। इस वजह से अब ये जो अपर क्लास है इसको तो काम करने की आदत कोई नहीं थी, और ये जो लेबर क्लास है क्योंकि ये कम पड़ गई थी, इन्होंने जो है वो बगावत कर दी, इन्होंने कहा कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाए। लेबर कम पड़ गई, इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गई, और फाइनली वो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैप्स कर गई। तो ये हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे देखें, आवर एज इज अ बर्थ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। The spirit of man has broken with the old order of things. वो कहता है कि our age is a birth time, और ये period था transition का, change का, और spirit of man जो है वो old order of things की वजह से वो broken हो चुका था। Next उस पे चलते हैं। The patriarchal relationship between God and individual soul has been replaced by adversarial relationship between a person and his own psychology. The will to comprehend the self, even as patriarchal relationship between ruler and subject, has been replaced by adversarial relationship between the individual and society in the form of society's drive to marginalize all those it cannot or will not homogenize. अब यहाँ पे देखते हैं subject matter और उसका treatment क्या है इस जो French Revolution के context में या cherry orchard के context में देखते हैं। सबसे पहले द लो कॉमिक एंड ग्रोटेस्क वो हम देखेंगे, उसके बाद हाई ट्रेजिक और सबलाइम है इसका सब्जेक्ट मैटर, मिड डोमेस्टिक विद मॉडर्निज्म दीज हायर चीज डिसॉल्व। व्हाट द 19th सेंचुरी अकॉम्प्लिश्ड एंड द 20th हैज कैरिड द प्रोसेस स्टिल फर्दर वाज टू चेंज द बेसिस ऑफ कोरिलेशन। इट बिकेम पॉसिबल टू टेक सब्जेक्ट सीरियसली that had either to belong to the low or middle category and to treat them tragically. Phir ye hai influenced by history concerned with the past and how it folds into present. Yahan pe hum dekhenge ki influenced by history hai, concerns with the past hai, aur kis tarike se isko present mein fold kiya jata hai. Usme hum dekhenge romantic idealism of the early to mid 19th century, avant-gardism of the late 19th and early to mid 20th century, realism of mid 19th to early 20th century. Artists and social critics questioned romanticism emphasis on interiority and abstract mental concept. The realist observed the massive effect of revolution, industrialization and a ruthless public alienated from social institutions.
रियलिस्ट जितने भी राइटर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया मैसिव इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन. ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इसके मैसिव इफेक्ट्स देखे गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैसिव इफेक्ट्स देखे गए. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स के किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से जो है जर्मनी फ्रांस इटली यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई और किस तरीके से वहाँ पे मतलब एक तरह से लेबर क्लास को दबा लिया गया. एंड अ रूटलेस पब्लिक अलाइनेटेड फ्रॉम सोशल इंस्टीट्यूशन, और एक रूटलेस पब्लिक अलाइनेशन थी उस सोशल इंस्टीट्यूशन से. एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का, यानी कि सामने जो चीज देखी जा रही है उसके बारे में एक आर्टिस्टिक बीइंग एन ऑब्जर्वर, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया. फिर मॉडर्न रियलिज्म देख लेते हैं कि क्या है. एक्सप्लिकेट्स द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोशल रिलेशन, एक्सप्लिकेट करता है ये स्पेशल कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोशल रिलेशंस को एंड द मैनर इन विच दे इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल फ्रीडम, और वो मैनर जिसके जरिए उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को इन्फ्लुएंस किया है. रिजेक्टेड ऑल सब्जेक्ट मैटर दैट कुड नॉट बी विटनेस एज फिजिकली एग्जिस्टिंग डिपिक्टिंग रॉनेस एंड स्टीली आइड ऑब्जर्वेशन अनट्रेस्ड वे अ स्लाइस ऑफ लाइफ. अच्छा यहाँ पे स्लाइस ऑफ लाइफ जो है जेरी ऑर्चर्ड है स्लाइस ऑफ लाइफ, और इसके बाद जो है वेटिंग फॉर गॉडो एज अ स्लाइस ऑफ लाइफ, ये दोनों ट्रेजिक कॉमेडीज हैं. तो इन दोनों के बारे में कहा जाता है अ स्लाइस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ मीन्स एक एंजॉय मूड में एक आम जिंदगी के बारे में एक इंडिविजुअल लाइफ के बारे में आपको बताया जाएगा. उसके बाद देयर कॉम्प्लेक्सिटी द डेंसिटी कंपेलिंग एलुसिवनेस एंड पैशन एग्जिबिटेड इन द प्ले, यहाँ पे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया जाएगा. इन प्लेस में डेंसिटी कंपेलिंग एलुसिवनेस पैशन जो है वो दिखाए जाएंगे. देयर मॉडल स्टेम्स फ्रॉम द रिलायंस ऑन रियलिज्म एज ग्राउंडिंग फॉर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग एंड द यूज ऑफ मेटाफर्स. An awareness of modernism shocked the psychic transformation from old world values to a new age of bourgeois consumerism and egalitarian social relations. Historical background, that is the main subject, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ना था. His Russia was a vast empire with extremes of wealth and poverty. ठीक है, रशिया जो है एक वास्ट एम्पायर थी जहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ वेल्थ भी थी और पॉवर्टी भी थी. यानी कि जो दौलतमंद थे वो बहुत ज्यादा सही वाले दौलतमंद थे और जो पुअर लोग थे वो फाकों का शिकार थे. डाइवर्स कल्चर्स एंड प्रीडोमिनेंटली रूरल इकोनॉमी. अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III एंड हिज सन निकोलस II. By the 19th century, there was a rigid, inefficient, and in some ways corrupt centralized bureaucracy. Russia social groups देख लेते हैं. The nobility, ठीक है. उसके बाद priests थे यहाँ पे. Officials 3.7%, military 5% लोग थे. Merchants 0.5% थे. Urban workers 3.7% थे. लेकिन serfs देखें कितने ज़्यादा. Serf इस labor class को कहा जा रहा है. ये जनाब सारे सर्व्स थे जो कि इस पूरे रशिया को उठाए हुए थे. ठीक है, और यहाँ पे देखे वी रूल ओवर यू द नोबिलिटी. ठीक है, ये नोबिलिटी जो है वो रूल करती थी. उसके बाद प्रीस्ट देखें जो 1.1% है. यहाँ पे लिखा है वी गवर्न यू, ये नीचे के लोगों को गवर्न करते थे. द ऑफिशियल्स और मिलिट्री सॉरी ऑफिशियल्स क्या कहते थे, वी प्रे फॉर यू. और उसके बाद मिलिट्री जो है वो ये देखें वी शूट यू. द मर्चेंट्स वी ईट फॉर यू, ठीक है हम तुम्हारे लिए खा. और सर्व जो है वो 84.9% थे, वी वर्क फॉर यू. यानी कि इस पूरे के पूरे रशिया को अगर किसी ने उठाया हुआ था तो यहाँ पे देखें ये सर्व क्लास है जिसने उठाया हुआ था. और नोबिलिटी देखें जो अमीर तबका था वो सिर्फ इतना था 1.1%. उसके बाद देखते हैं मॉडर्नाइजिंग रशिया इन वेस्टर्न यूरोप इमेजेस. ठीक है, मॉडर्नाइजिंग रशिया जो है उसके वेस्टर्न यूरोपियन इमेज. इन 1830 द रेल रोड्स अराइव्ड, इसमें रेल रोड्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी. ठीक है,
European styles in fashion and art were imported, and the Western canon was widely read among the nobility. आप लोगों ने अगर कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें देखें वो खारजा पॉलिसी होती है, जब जो आपके बॉर्डर लाइन स्पेशली जो आपके हमसाया ममालिक होते हैं ना, वहाँ पे कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है ना तो वो आपके अपने मुल्क में भी आ जाती है. जैसे लाइक पाकिस्तान के अंदर अक्सर ड्रेसेस जो है वो इंडियंस की कॉपी आते होते हैं, यानी कि जैसे ड्रेसेस वहां पे इन होते हैं वो पाकिस्तान में भी आना शुरू हो जाते हैं. यानी कि फैशन और ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें जो आपके बॉर्डर एरियाज या बॉर्डर ममालिक होते हैं ना, वहां से जरूर होते हैं. रशिया के ऊपर भी यहाँ पे यूरोप का जो एक वेस्टर्न जो कल्चर था वो अब उसके अंदर जो है आना शुरू हो गया था. यूरोपियन स्टाइल्स एंड फैशन एंड आर्ट वर इम्पोर्टेड, ठीक है, उनके फैशन और आर्ट जो है उसमें इम्पोर्ट किया गया. द वेस्टर्न कैनन वॉज वाइडली रीड अमोंग द नोबिलिटी, और ये जो वेस्टर्न कैनन थी ये वाइडली रीड अमोंग द नोबिलिटी, यानी कि नोबल्स जो है वो वेस्टर्न को फॉलो किया करते थे. इमैन्सिपेशन डिक्लेरेशन ऑफ 1861, द सिचुएशन डिस्प्लेड इन द चेरी ऑर्चर्ड ऑफ अ वेल्दी लैंड ओनिंग फैमिली फोर्स्ड टू सेल देयर एस्टेट इन ऑर्डर टू पे देयर डेब्ट्स वाज दस अ फैमिली वन इन रशियन सोसाइटी ऑफ शेफ ऑफ डेज. सिचुएशन डिस्प्ले की जाती है द चेरी ऑर्चर्ड में, एक वेल्दी लैंड ऑनिंग फैमिली है जिनको फोर्स किया गया कि वो अपनी इस्टेट अपने डेब्ट्स पे करने के लिए सेल कर दें. वॉज दस अ फैमिलियर वन इन रशियन सोसाइटी ऑफ शेखोव डे, और ये जो है एक फैमिलियर वन थी वो उस वक्त की रशियन सोसाइटी ऑफ शेखोव डे. इंटेलिजेंस सिया देखते हैं Resnochinsky or persons of other ranks who came from social classes other than the nobility began to emerge. अब जो है जो दूसरे Resnochinsky जो थे और या दूसरी क्लास के persons of other ranks जो कि दूसरी क्लास से आए थे वो जो है nobility began to emerge. Then the nobility began to emerge. उन्होंने यानी कि lower middle class ने अब emerge करना शुरू किया. Defined itself by agitating for social reform, its members intelligently were critical thinkers who regretted the primitive political state of their country under Tsarism and envisaged a society on Western models as a new ideological currents, democracy and humanitarian ideals spread from Western Europe. उसके बाद जो है इवेंट टर्गेंस नॉवल एंड प्लेस इस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए. द फिलोसोफर आर्चर स्कोफेन्यूर्स पर्टिकुलर निहिलिज्म प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ इन पोस्ट डार्विनिस्टिक वर्ल्ड. पिसेरेव चीफ प्रोपोनेंट ऑफ रशियन निहिलिज्म. अच्छा जी, मेनी ऑफ जेंट्री लिव्ड ऑन डिक्लाइनिंग स्टेट्स इन द प्रोविंसेस ओनिंग लेस एंड लेस लैंड. बहुत सी जेंट्री जो है इन डिक्लाइनिंग स्टेट्स में इन प्रोविंसेस में रहा करती थी, ओनिंग लेस, जिनको लेस लैंड जो है यानी कि गरीब तरीन लोग थे. विद द सिंबलिज्म ऑफ ट्रेन्स इन चेरी ऑर्चर्ड, द कैरेक्टर ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर द पैकन एंड द रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रॉफिमोव चेखोव प्रिशियंटली डिपिक्टेड अ सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज. यहाँ भी देखते हैं कि सिंबलिज्म ऑफ ट्रेन्स जो है वो चेरी ऑर्चर्ड में दिखाया जाता है. द पैकन जो है वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर है, ठीक है, एंड द रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रॉफिमोव चेखोव प्रिशियंटली डिपिक्ट सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज. यहाँ पे वो जो है ट्रॉफिमोव की रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स को देखते हुए चेखोव प्रेजेंट करता है एक सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज को. Surveying the dominant ideas and ideals of the Russian intelligentsia, utilitarianism, utopianism, nihilism, and also skepticism and pessimism resulting from disillusionment when ideals fail to become reality. अब यहाँ पे वो कहता है कि surveying the dominant ideas or ideals of Russian intelligentsia, जिसमें utilitarianism थी, यूटोपियनिज्म यानी कि एक आइडियल वर्ल्ड, निहिलिज्म नथिंगनेस को कहते हैं यानी कि लोग एक फ्रस्ट्रेटेड वर्ल्ड के अंदर या निहिलिस्टिक मूड में रहने लग गए थे और उनको लगता था कि शायद अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा, स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद, एंड ऑल्सो स्केप्टिसिज्म एंड
pessimism. Skepticism शक को कहते हैं, pessimism negativity को कहते हैं, hopelessness को कहते हैं, nihilism जो है nothingness को कहते हैं. ये सारी चीजें जो है एक disillusionment का मतलब result हुई. और when ideas fail to become reality, जब ideas जो है वो fail हो गए to become the reality. अब यहाँ भी देखें कि अगर हम इन डोमिनेंट आइडियाज और आइडियाज ऑफ रशियन इंटेलिजेंसिया को देखें तो क्या था. सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि इस्तेमाल, या हर इंसान जो है वो अपने अपने मकसद के लिए जीना शुरू हो गया था. और हर इंसान ने चीजों को आइडियलाइज, अब यूटोपियनिज्म जो है एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड को कहते हैं ना यूटोपिया. हर इंसान जो है जब अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहना शुरू हो जाता है, अपनी ही आइडियल वर्ल्ड में रहना शुरू हो जाता है, तो वो कभी भी खुश नहीं होता. यूटोपिया इन अ सेंस यूटोपियनिज्म को हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं, एक आइडियल वर्ल्ड बना लेते हैं अपने ख्यालों की. ठीक है, यूटोपिया एक ख्याली दुनिया थी ना. हम एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड बना देते हैं अपने ख्यालों की, जिसमें हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए. हर इंसान के लिए उसका मोरालिटी लेवल डिफरेंट है. ठीक है, हमारे लिए हर इंसान के लिए नेकी का तस्वीर ही डिफरेंट हो गया. हम एक जगह पे नहीं इकट्ठे हुए, फिर हमारी अपनी अपनी एक आइडियल वर्ल्ड थी. और जब वो आइडियल वर्ल्ड जो कि हमारी ख्यालों की दुनिया, जब उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है उसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या हम उस प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते जो कि हमारी उस आइडियल वर्ल्ड को निगेट कर रही होती है, तो फाइनली इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है. ठीक है, अब आप ये देखें कि चलें ये फिर कभी इसको मैं थोड़ा सा फिर कभी डिस्कस करेंगे. तो अब आगे चलते हैं. आर रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मेडिसन इज माय लॉफुल वाइफ, he once said, and literature is my mistress. यहाँ से असल में स्टार्ट होता है एंटन चेखव. उसने कहा था एज अ राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि मेडिसिन मेरी लॉफुल वाइफ है और लिटरेचर जो है वो मेरी मिस्ट्रेस है. इन हाउस प्ले राइट्स फॉर द मॉस्को आर्ट थिएटर, द सी गर्ल, अंकल वैनिया, थ्री सिस्टर्स, द चेरी ऑर्चर्ड, ये इसके जनाब कारनामे थे. Chekhov and modern drama. Stage could not only reproduce an accurate image of real life. Stage ko sirf reproduce nahi karna chahiye ek accurate image of real life ka, but should also become like an instrument of scientific inquiry into human behavior. Against the artificiality of conventional and conventional dramatic structure, ye jo tha against the us artificiality jo ki conventional dramatic structure ko show karti thi. Emily Zola, naturalism, element of symbolism. Chekhov work, सबसे बड़ी चीज इसने अपने ड्रामा के अंदर नेचुरलिज्म जो है वो शो की. Chekhov work is reflecting the haphazard casualness and aimlessness of outward existence already represents that step beyond a mere photographic realism. उसने जो है नेचुरलिज्म जो है हेडा गैबलर as a naturalistic drama or cherry orchard as a naturalistic drama. ठीक है, naturalism होता है चीजों को उनके natural way में बयान करना, characters को उनके natural way में बयान करना, इंसान certain situations में certain way में react करता है, उसको naturalism कहते हैं. ये हमारी nature है ना कि हम अगर एक entrap हो जाते हैं, जैसे Hedda Gabler जो है वो entrap हो गई थी एक society में, तो हम different circumstances में डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं. तो दैट इज बेसिकली द नेचुरलिज्म. तो उसने नेचुरलिज्म और सिंबलिज्म को शो किया था, यानी कि उसने कैरेक्टर्स को नेचुरल वे में कि हाउ दे रिएक्ट नेचुरली और इन एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे, या फिर उस ड्रामा के अंदर जो है नेचर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाया जाता है ऑन द कैरेक्टर्स. चेखव वर्क इज रिफ्लेक्टिंग work in reflecting the haphazard casualness and aimlessness of outward existence already represents that step beyond a mere photographic realism. In his plays, while they give meticulous, accurate picture of reality, emphasis on the feeling underneath the surface, the subtleness
of atmospheric nonsense and real objects like cherry orchard became the symbol for far more complex social and psychological aspects of life. अच्छा जी, शीखव का जो वर्क था जो रिफ्लेक्ट करता था वो हैप्पीजेड कैजुअलनेस को एमलेसनेस आउटवर्ड एग्जिस्टेंस की ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स द स्टेप बियॉन्ड अ मेयर फोटोग्राफिक रियलिज्म. एक स्टेप बियॉन्ड था जो कि मेयर फोटोग्राफिक रियलिज्म से था. उसके प्लेस में एक एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रियलिटी दिखाई जाती है. एम्फेसिस किया जाता है फीलिंग्स अंडरनेथ द सर्फेस को और सबटलेस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर नॉनसेंस और रियल ऑब्जेक्ट लाइक चेरी ऑर्चर्ड दिखाया गया है जो कि एक सिंबल बनता है फॉर फार मोर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का. एक उसने नेचुरल इमेज लिया है जिसको उसने एज अ सिंबल यूज किया है एक फार मोर कॉम्प्लेक्स सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. नेचुरलिज्म और सिंबलिज्म में हम देखते हैं कि इफ वी होल्ड द चेरी ऑर्चर्ड इन ऑपोजिशन टू आवर रियलिटी वी बिगिन टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स इन अ न्यू लाइट. वी सी आवर फ्लॉज रिफ्लेक्टेड इन द प्लेस वी सी आवर पास्ट एंड आवर एरर्स. अगर हम चेरी ऑर्चर्ड को ऑपोजिशन टू आवर रियलिटी देखें तो हमें अपना सेल्फ एक न्यू लाइट में नजर आएगा. हम अपने फ्लॉज इन जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं इन द प्ले वो देख सकते हैं एंड वी सी आवर पास्ट एंड आवर एरर्स और हमें हमारा पास्ट और हमारे एरर्स भी दिखाए जा सकते हैं. इन अ परफेक्ट वर्ल्ड इफ वी कुड चेंज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ वी वुड चेंज देम फॉर द बेटर विद एनी प्ले यू कैन डू दिस बट द चीक ऑफ द मैसेज यू हियर इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. जो आप देखते हैं वही आप गेट करते हैं. अ मिरर ऑफ और अ स्लाइस ऑफ रियलिटी. एक मिरर या स्लाइस ऑफ रियलिटी जिसको वो स्लाइस ऑफ लाइफ भी कहता है कि वो कहता है कि विद एनी प्ले यू कैन डू दिस. लेकिन शीकोव के साथ आप जो मैसेज हेयर करते हैं वो है जो व्हाट यू सी व्हाट यू गेट. जो आपने देखा वो आपने मतलब परसीव कर लिया एक मिरर या स्लाइस ऑफ रियलिटी को. अच्छा जी, रियली इन लाइफ पीपल आर नॉट एवरी मिनट शूटिंग ईच अदर हैंगिंग देमसेल्फ एंड मेकिंग डिक्लेरेशन ऑफ लव. उसने वो जो कन्वेंशनल एक वे था ना जिसके अंदर लोग जो है एक दूसरे को शूट कर रहे थे एक हैंग हो रहे थे जैसे हमने हेडा गैबलर में देखा या फिर वो डिक्लेरेशन ऑफ लव कर रहे थे एंड दे आर नॉट सेइंग क्लेवर थिंग्स एवरी मिनट फॉर द मोस्ट पार्ट दे ईट ड्रिंक हैंग अबाउट एंड टॉक नॉनसेंस एंड दिस मस्ट बी सीन ऑन द स्टेज. द प्ले मस्ट बी रिटन इन विच पीपल कैन कम. प्ले कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए कि जहाँ पे लोग आ सके डू कुछ करके दिखाएं डाइन करें खाना खाएं टॉक अबाउट द वेदर एंड प्ले कार्ड्स नेचुरल वे में बिहेव करें. नॉट बिकॉज दे दैट्स द वे द ऑथर वांट्स इट बट बिकॉज दैट्स द वे इट हैपेंस इन रियल लाइफ. इस वजह से नहीं कि ऑथर उनको ऐसा करने में मजबूर कर रहा है बल्कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको इस तरह से होना चाहिए जैसे एक रियल लाइफ के अंदर होता है. उसके बाद जो है Chekhov and modern drama. Chekhov renunciation of high open form thi. Chekhov renunciation of high flown poetic language and rhetorical explicitness, reducing the importance of overt action and plot. Abandonment of the central figure, the hero of the drama, a new focus of attention, the situation itself. One of the pioneers in moving the theater away from putting its main emphasis on action in the simple literal sense. Belgian playwright Maurice Maeterlinck, who developed his plays using symbols to explore the meaning of life and death. Achha ji, abolia, the loss of impairment of ability to act or to make decision. On stage, everything should be just as complicated, just as simple in life. People eat their meals, and in meantime, their fortune is made of their life run. अच्छा जी, बोर्डम देखते हैं. बाय लेट 19th सेंचुरी द मेलोडी ऑफ बोर्डम इज अ रीअकरिंग फेनोमेना इन लिटरेचर एंड ड्रामा. इट इज कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एक्सेस लेजर टाइम. बहुत ज्यादा लोगों के पास टाइम आ गया था एंड द नोशन ऑफ हैप्पीनेस ड्राइव फ्रॉम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक नोशन ऑफ हैप्पीनेस जो है ड्राइव हो गया था पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से के मुकाबले एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले में. अब जैसे हम लोग कहते हैं मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है मैं सारा दिन बच्चे ही पालती रहूं मैं सारा